लाटरी फर्ज कर लो जिवें है ना नवा बंदा इस तरह दी पट्ठा खरीदा इह कदों तक मतलब कि तैयार हो जाणी है सर असली तां इह है वी जे ब्रीड ते कम करना है ठीक है वैसे आपां छोटियां क्रॉस करा देंदे 30-35 किलो दी मन के चलो घटो जे इहनूं क्रॉस करवाउणा है तां 80 किलो वेट चाहिए बीटल जिहड़ी बीटल ब्रीड है बहुत वड्डी मतलब अंग अंगां दी खुल्ली पट्ठी बनी है ठीक है जी तां मतलब आपां 30-40 किलो तो करा देंदे पर उह वी गलत आ पर आप कहने भी 40 किलो करा दो कह तो दें आप ठीक है भी जी मतलब एज आ गई कोई गल नहीं 10 महीने की हो गई पर वेट ज़्यादा होना चाहिए ठीक है अमोर के कोले पैंदा गा लगभग 400-500 बकरी का फार्म से 1300 तो चल रहे हैं 250 जाने ठीक है ठीक है क्योंकि फार्मर फेल हो रहे हैं जिड़ी बकरी थी मतलब 15,000 या 30-35,000 की रह लेंगे नवे बंद नहीं पता हाँ, सही गल है ठीक है तो उत्थे फिर लुट हो जाती है जी वो बंदा ऑटोमेटिक काम छड़ जाता सही गल है ठीक है मुंह मुड़ जाता मुंह मुड़ जाता असीं जिहड़ा मेरा मतलब धंधा गा मैं हरेक नूं कहना अडल्ट फीमेल तो शुरू करो क्योंकि इहदे विच बंदे नूं घाटा नहीं पैणा इहनूं फैट वट कह सकदे आं आपां गब्बण ना भी मन्नीए तो यह समझ लो भी 3 सूए आराम नाल लै सकदे आ फिकरे जे अज समझ लो भी आपां बकरी लई आ वो जे आपां नूं मालक दूजे सूए दसदा तो हो सकदा वो चौथे होवे ठीक है ना उन्हें एक सूआ देना दंद घसा गई तो उन्हें अच्छ 25,000 की रही जी दंद घसा गई भी 15 की रह जाए 10,000 उठ गया सीधा ही फड़ा यार पैसे हेलो फड़ा पैसे दे पैसे उन्होंने वेट दी हाँ जी निबड़ गई आयो एक अभी होर भी लै लो खाई पट चंकी आस ला गई है भी दो चार दिन होया कहते लगी रह गई थोड़ी किस्मत मारी काले आवाज इधर काले आवाज मारी लो जी मास्टर गुरजीत सिंह जी आए ने अपने कोले मास्टर गुरजीत सिंह जी बुरज हरी वाले की हाल चाल है भाई ठीक है हाँ एक ही ना खरीदे वाले ना दो तीन खरीद ले इधर आओ मास्टर जी दे नाल गल्लां बातां कर देंगे दो चार थोड़े रूबरू कर देंगे मास्टर जी सत श्री अकाल पहला की हाल चाल है ते मंडी ते अज मतलब किस तरह खरीदन दे लई निकला अज स्पेशल माल लेनी है जी अच्छा पट्ठा लेनी है काफी लेनी है जी ठीक है 500 मिल जाए 1000 मिल जिन्नी मर्जी सारी ले लेंगे इन्नी ज्यादा देर जिन्नी मर्जी ठीक है कम काज किस तरह रह रहा बकरी का अपना मतलब मेन पट्ठा दी है कम ठीक है जी ब्रीडर ते पट्ठा जिन्नी मर्जी हुण अडल्ट फीमेल चाहिए क्रॉस होने वाली ठीक है जी क्योंकि नवे फार्म खुल रहे हैं जी आप खिला रहे हैं घट्टो घट 10-12 फार्म खिलाते ठीक है जी 500 बकरी 202 बकरी ठीक है क्या बात है जी मास्टर जी फर्ज कर लो जिवें है ना नवा बंदा इस तरह दी पट्ठा खरीदा इह कदों तक मतलब कि तैयार हो जाणी है सर असली तां इह है वी जे ब्रीड ते कम करना है ठीक है वैसे आपां छोटियां क्रॉस करा देंदे 30-35 किलो दी मन के चलो घट्टो जे इहनूं क्रॉस करवाउणा है तां 80 किलो वेट चाहिए बीटल का जिहड़ी बीटल ब्रीड है बहुत वड्डी मतलब अंग अंगां दी खुल्ली पट्ठी हुंदी है ठीक है जी तां मतलब आपां 30-40 किलो तो करा देंदे पर उह वी गलत आ पर आप कहने भी 40 किलो करा दो कह तो दें आप ठीक है भी जी मतलब एज आ गई कोई गल नहीं 10 महीने की हो पर वेट ज्यादा होना चाहिए ठीक है बच्चे जी स्ट्रॉग होगी तो बच्चे देने की क्षमता फिर ही होगी अज इतों एक पट्ठ खरीदी ले नहीं पट्ठा 3-4 खरीदे अच्छा खरीदने काफ़ी खरीदनी है काफ़ी खरीदने लै दोस्तों वह भी दिखावे थोनों भी किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं जिमें यह हूँ ये की डिटेल नाल खरीदी है तुम ने यह भाई जी आप खाली करके लिती है कहते भावे दंदा तो अपने जो बाबा जी ये दस रहे हैं कि भी ये बंदे झूने बाहर फेरदे माल वो कहे दो दिन हो लगी नू वैसे वो जो लगी हुई है वो निशानियां दसतियां भी है भी क्रॉस हुई हुई है क्रॉस हुई नू बड़ा तो बड़ा 5-4 दिन होए इनू बाकी जी नक नकौड़ा ठीक है वधिया वा तो बाकी मैं बाइयों दस दिना भी जी पट्ठ आ समझ लो भी ये ब्रीड बहुत टॉप ते आ वीरे बिल्कुल जी बिल्कुल थोनू मैं दस दिना क्योंकि मैं तुम दस रहा मैं इन तो ही एक बकरी लई सी तो अज तो तकरीबन 7 महीने पहला इन्होंने चलो उदो मैनू गब्बण कहा सी ओह मेरे कोले जाके क्रॉस होई मैं वड्डे बकरे तो क्रॉस कराई जिहड़े बकरे तुसी वीडियो बनाई सी एंदगढ़ ओह बकरा इन्हां तों बकरी लई होई दा ठीक है जी समझ गए ना जिहड़ा इहदा नक नकौड़ा मेरे वाले बकरे ते आ जमा सिंग सुंग सारे बकरे ते आ कन्ना कनी ओह थोड़ी जी कच्ची आ ज़्यादा नहीं बाकी जे इहदे ते ब्रीडर टॉप दा लग गया इह वीरे बच्चा जाने कि ब्रीडिंग वाला दे सकदी आ बकरी ब्रीडिंग वाला बच्चा दऊगी इह पट्ठ ठीक है ना बाकी आपो अपनी समझ हुंदी आ कोई कहता अख जे चिट्टी हो लाल होता भी आप वह भी नहीं करते तो हम मेरा एंदगढ़ माल देखा मेरे को इस वक्त जिन्हें नाग आ मेरे को ज़्यादातर खट्टी अख दी है ठीक है चिट्टी अख दे घट आ पर खट्टी अख रही आँदी है दुध नू ठीक है कि नहीं एक होर भी गल आ खट्टी अख नू कोई झाकदा भी नहीं नज़र भी ना छेती कितने मुल नहीं कढ़ाउंदा उहदा उह टिकदी आ 2 सूए 3 सूए ठीक है आ क्रेज बन गया चिट्टी अख होनी चाहिए है जी लै लो जी नाले तक रुपये वध दिंदा यही चिट्टी अख चुंदी अगले ने 20,000 ला देना सी सही गल है पर इन्हें बच्चा टॉप क्वालिटी का देना इन्ना मैंने पता सही गल है हाँ जी बाकी बाई जी आए ने मानसा तो बहुत बहुत धन्यवाद है बाई जी ने दस्या भी असं मानसा मंडी तो आए हैं बहुत धन्यवाद है बाई का होर भी जे कोई पसंद आई है बाई जी दसो जी आप
सहायता करांगे सौदा कराउण च। कोई आपां नूं शौक ही आपां नूं इह नहीं हैगा वी आपां पैसे दी खातर फसदे आ, महाराज दा दित्ता बहुत कुछ आ मंडी ते भी चलो असीं इह नहीं हैगा वी कमाई दा साधन आ। वीडियो देख रहे हां बाबा जी तुहाडा जिहड़ा मतलब कम धंधा जिहा जो वी माल दवाउणे हो जायज रेट ते दवा रहे हो बिल्कुल, क्योंकि अज कल फार्मां लुट बहुत हो रही आपां नूं वी पता ही आ फार्म फेल हो रहे ने। मैं हुणी रामसरा जा के आया गा अबोर दे कोले पैंदा गा लगभग 4-5 सौ बकरी का फार्म से 1300 तो चल रहे थे ढाई जाते हैं ठीक है ठीक है, क्योंकि फार्मर फेल हो रहे हैं जिहड़ी बकरी थी मतलब 15,000 की 30-35,000 की रह लेंगे नवे बंदे नहीं पता हाँ, सही गल है ठीक है तो उत्थे फिर लुट हो जाती है जी वो बंदा आटोमैटिक कम छड़ जाता सही गल ठीक है मूँह मुड़ जाता मूँह मुड़ जाता। असं जो मेरा मतलब धंधा का मैं हरेक को कहना अडल्ट फीमेल तो शुरू करो क्योंकि ये बंद घाटा नहीं पैंता सही गल किवें नहीं घाटा पैंता वो मैं कॉपी से लिख के दस सकता ठीक है मोटा इतने भी दस के मोटा का यह है जी क्योंकि जो फर्ज करो अडल्ट फीमेल ले ली तुम हूँ 15,000 की मतलब मिली है अपन ठीक है 12-15,000 की वधिया पट्ठ मतलब मिल जाती है ठीक है वह वेट मन के चलो तुम आप कहने भी 80 किलो वेट करके क्रॉस कराओ मैं कहना गा ठीक है पर घट्टो घट 40-45 किलो वेट तो होनी चाहिए ठीक है 40-45 किलो जिम्मे 40 किलो प्लस होगी है ठीक है 40 किलो प्लस होगी तो बच्चे भी चंगे देगी पर बीटल का 80 किलो वेट करके गब्बन होकर सून वे 90-95 किलो वेट है तो तुम बच्चे देख लो किस तरह ग्रोथ होगी ग्रोथ होगी पर इन्ना चेर क्योंकि अपने सहनशीलता है नहीं आप कहने भी 30 किलो की क्रॉस करा दी चक दे ठीक है ठीक है ये क्यों नहीं घाटा पैंता उन्होंने पट्ठ ले ली ठीक है 15,000 रुपया लाता आप उत्ते इदू बाद ब्रीडर छोड़ोगे तो को 6 महीने बाद कमाई दे दूंगी जी बच्चे आ गए 6 महीने बाद ठीक है 5 महीने तो 5 दिन अपने को मतलब पीड़ा सून का तो 6 महीने मान लो 10 महीने क्रॉसिंग का कट दो ठीक है जी ठीक है उदू बाद 8 महीने बाद कमाई आ गई ठीक है थोड़ा इन्ना पता गा भी साढ़े जी फसल आ गई 8 महीने बढ़ लेनी है तो जी मतलब गब्बन आने की खाली निकल जाती है बंदा साल भर सामी जाता ठीक है कुछ समस्या जरूर कोई थानों छोटा होंगे कि बड़ा होंगे ये फ्रैश ने है ब्लड आगा एक जंग मुंडा तो एक बाबा जी खड़े ने गए फर्क तो होगा तो फर्क तो पैदा ही है तो उस चीज़ के बच्चे भी चंगे कढ़ूगी अगे जाके बधूगी 15,000-30,000 की बन जूगी बच्ची बाकी एक मेन गल तो यह है जिदा इन्होंने ये ली है ना पट्ठ इनू फैट वट कह सकते हैं आप गब्बन ना भी मनीए तो यह समझ लो भी 3 सूए आराम ना ले सकते आपके घर जे अच समझ लो भी आप बकरी ली आ वो जे आप मालिक दूजे सूए दसदा तो हो सकता वो चौथे होवे ठीक है ना उन्हें एक सूआ देना दंद घसा गई तो उन्हें अज 25,000 की ली आ जी दंद घसा गई भी 15 की रह जाती है 10,000 उठ गया सीधा ही सीधा ही 10 उठ जाना ये उड्डना नहीं है कुछ अगरबाज आप होर भी गल होर पासे भी देख लीए जे अगरबाज सूआ भी नहीं दिंदी ये समझ लो भी 2 महीने ने देख लिया भी ये 2-3 बारी क्रॉस हो गई जब नहीं रही तो 40 किलो प्लस वेट आ तो यह 18-19,000 की मीट पर भी किलो मीट निकलूगा सही गल है तो घट्टो घट 12-13 का मीट ही है 15,000 की खरीदी है 2-2.5 हज़ार लॉस पो बद नहीं पैंदा जी लॉस इहदे च नहीं पैंदा नहीं मैंने मीट पर गल करदे हां ठीक है ठीक है लॉस नहीं पैंदा इहदे विच अडल्ट खरीद लेनी चाहिए अडल्ट मेरी तो मतलब सोच यही है जी आप चलो जिन्हें नवे फार्म घट्टो घट मैं 18-20 फार्म खिला रहा इस बार जिहड़े मेरे गाइड चल रहे हैं असं तो उन्होंने अडल्ट ही कहने ठीक है जी ठीक है जे करो फेल हो गया साढ़े को क्या बात है ये भी गल पाना की है सारा कुछ वो साढ़े ना असं मतलब एग्रीमेंट भी करते हैं डायरेक्टर साढ़े एग्रीमेंट करे वह बच्चा का जोड़ा असं लवेंगे बैक ला पहला 2-3 साल का लिखती रूप के लग दें इन्हों ठीक है पट्ठ ले लिए जो पट्ठा पावे साढ़े कहे तो असं टैगिंग करा वह बच्चा का जोड़ा असं बैक लवेंगे 7,500 का बच्चा मैं खरीदूंगा उन्हों को 15 किलो का 15 किलो जिदे 15 किलो बच्चा हो गया 7,500 असं घरों चुका जिन्हें मर्जी दे ठीक है कोई दिक्कत नहीं जो बच्चा देसी हो मास्टर जी देसी नहीं जी हम अभी टैगिंग करा तो ठीक है मतलब फर्ज करो तुम बकरियां तुम आप लेनी 50 लेनी है अभी चेक करके 40 पास करती हैं ठीक है बीटल कड़ लिया 40 और 40 के बच्चे चक क्या बात है ठीक है बच्चे सूप ही जिदे मतलब उधर वीडियो पा दू वाला टैगिंग बच्चे की जाके करें क्या बात जिदे 15 किलो प्लस हो गया सानू फोन मार दे 100 बच्चा 50 सारी टीम जाऊगी ऑटोमेटिक सारी बच्चे उन्हें चक रहे क्या बात तुम्हें बेचने की भी समस्या नहीं ठीक है आने समय के आप खुद चला लुधियाने कर भी दिता एग्रीमेंट ठीक है जी इस करके ये आने समय के फ्यूचर के भी प्लैनिंग ने नहीं बहुत वधिया प्लैनिंग ने दोस्तों क्योंकि जे आप खरीदते हैं तो बेचण के भी कितना कितने कोई समस्या ना आए तकरीबन मंडिया तो लग ही रही ने चलो ये भी नवा सिस्टम है जो अपडेट होना चाहिए समय के नाल हर एक अपनी गलबात भी अडल्ट फीमेल है जी खरीदनी चाहिए आ ठीक है भी किस तरह की गलबात ज्यादा तुम दस दी बाकी फिर कदे सही इन्हों मिल के काफ़ी बड़ा खजाना ले फिरते हैं इन्हों को काफ़ी गल्लां बातां हैगियां नेगियां इस किते दे संबंध विच वो फिर कदे सही करांगे धन्यवाद जी मास्टर जी शुक्रिया धन्यवाद जी धन्यवाद।